मॉर्निंग, वेलकम टू हिंदी क्लास। मैं आपके समक्ष फिर से एक बार नई इकाई के साथ प्रस्तुत हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इकाई नंबर 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ कविता के कवि का नाम है शकील बरदायूनी, साहित्य प्रकार है देशभक्ति गीत, उसका हम अभ्यास करेंगे। मित्रों, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तब कई स्वातंत्र्य सेनानियों ने देश में आज़ादी लाने के लिए, देश को मुक्त कराने के लिए कई आंदोलन किए थे, जैसे कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए थे और उन्होंने जान गंवाकर अपने प्राण की कुर्बानी देकर हमारे देश को आज़ाद करवाया था। वे लोग हमारे दिल में अभी भी अमर हैं, छोटे बच्चे भी उन्हें जानते हैं, याद करते हैं। तो यहाँ इस इकाई में नन्हा बालक छोटा सिपाही है और वो छोटा होकर कैसे देश की सेवा करेगा, उस बात का निरूपण किया गया है। आप लोगों ने भाग एक में कविता का भावार्थ सीख लिया है। भाग दो में अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न एक की चर्चा भी सुनी, अभ्यास किया है। आज हम भाग 3 में स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 2 से अभ्यास करने की शुरुआत करेंगे। स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 2 का अभ्यास शुरू करेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द का दूसरा शब्द है विरोधी। आपको नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, उसके उत्तर अंदर ही है, आपको ढूंढ कर लिखने हैं। आगे उसका विलोम शब्द होगा पीछे। दायां, दायां यानी जमणो हाथ, तो उसका क्या होगा विलोम बायां, बायां यानी डाबो हाथ। धरती तो आकाश। नीचा विलोम होगा ऊंचा। पीछे तो आगे। छोटा बड़ा। तो इस प्रकार हमने विलोम शब्द के शब्द ढूंढे। अब आपको नीचे दिए गए शब्द आधारित वाक्य बनाने हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ विलोम शब्द दिए हैं, शब्द और उसके अर्थ दो वाक्य आपको बनाने हैं। उदाहरण, सब बच्चे आगे चले जा रहे हैं, तो आगे विलोम शब्द आया। दूसरा उसका उत्तर आएगा आगे का पीछे। तो यहाँ वाक्य क्या बना है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। तो मित्रों, आप लोगों को विलोम शब्द के वाक्य बनाने हैं। हर एक विलोम का दो वाक्य बनेगा। समझ में आ गया दोस्तों? प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढ कर लिखिए। मित्रों, आपको नीचे पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द आपको जो बॉक्स दिया है उसमें से उत्तर ढूंढ कर शब्द के सामने दो दो अर्थ आपको लिखने हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 1, राही। राही शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा ढूंढो। गुड क्या होगा मुसाफिर और पंठी, वेरी गुड। फिर है सिपाही, सिपाही यानी फौजी और सैनिक, वेरी गुड। धरती और रास्ता और मंजिल, ये तीनों समानार्थी शब्द के उत्तर आपको स्वयं ढूंढने होंगे। प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी गुजराती भाषा। नंबर 1, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे,
मित्रों आपको एक एक शब्द का गुजराती करना है और फिर वाक्य को क्रम में लिखना है। जैसे धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, उसका अनुवाद होगा धरती ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। उसी अनुसार आपको दूसरा बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। तीसरा मैं देश का सिपाही हूँ। चौथा दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। और पांचवा हमारे देश का नाम भारत है। यह वाक्यों का आपको गुजराती में अनुवाद करना होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढ कर लिखिए। फ्रेंड्स यहाँ आपको काव्य पंक्ति का भावार्थ दिया है, वो भावार्थ कौन सी पंक्ति में से हैं वो आपको ढूंढ कर यहाँ पे पंक्ति लिखनी है। नंबर 1, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो मित्रों पाठ्यपुस्तक में कविता में ये कौन सी पंक्ति है सोचो। वेरी गुड, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। नंबर 2, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो पंक्ति कौन सी आएगी सोचो। तीसरा, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। और नंबर 4, हमारा देश शांति प्रिय है। मित्रों आपको कविता में से पंक्ति ढूंढकर स्वयं लिखनी है, जिस प्रकार मैंने उदाहरण आपको दिखाया समझाया उसी प्रकार। प्रश्न 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ आपको कोष्ठक में शब्द दिए हैं, जो सही है वो आपको इस रिक्त स्थान यानी खाली जगह में लिखना है। नंबर 1, लड़के खेल खाली जगह, रहा है रहे हैं, दोनों में से कौन सा उत्तर आएगा। वेरी गुड, रहे हैं। नंबर 2, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हम, क्या उत्तर आएगा। वेरी गुड, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उसी प्रकार 3, आप कहाँ जा रहे। नंबर 4, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। नंबर 5, हम खाली जगह। मित्रों सही जवाब आपको इस रिक्त स्थान में लिखना होगा। प्रश्न 7, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। फ्रेंड्स देश, तो हमारे देश का नाम क्या है, भारत। भारत हमारा देश है। पुराने ज़माने में भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे और उन्हीं के नाम से हमारा भारत देश कहलाया। भारत का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान है। वेरी गुड, तो आपको भारत देश के ऊपर 5-7 वाक्य लिखने हैं। इसी प्रकार आगे हैं सिपाही। सिपाही यानी सैनिक। सैनिक कैसे होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, और वो क्या करते हैं तो देश की सरहद की रक्षा करते हैं, दुश्मनों से युद्ध करते हैं, आतंकियों को मार गिराते हैं, और देश के लिए शहीद हो जाने में भी वे लोग झिझकते नहीं हैं। तो इसी प्रकार सिपाही के बारे में आपको 5-7 वाक्य खुद लिखने होंगे। प्रश्न 8, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचिए क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है, बताइए और लिखिए कि ये देश की सेवा कैसे करते हैं। जैसे नंबर 1, किसान। दूसरा है शिक्षक। तीसरा है खिलाड़ी। चौथा है कलाकार। और पांचवे आप। मित्रों सबसे पहले किसान किस प्रकार देश की सेवा करता है, किस प्रकार करता है, तो वो कड़ी मेहनत करता है और बहुत सारा अनाज पैदा करता है। कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर
कृत्रिम खाद व दवाइयों का भी उपयोग कम करके वे अनाज पैदा करता है और देश की सेवा करता है। तो उसी प्रकार शिक्षक कैसे सेवा करते हैं, तो वो बच्चों को उत्तम शिक्षा देते हैं, जीवन कौशल्य का पाठ सिखाते हैं और ऊंचे आदर्शों को आचरण करने का भी कार्य वो करवाते हैं। तो उसी प्रकार खिलाड़ी, कलाकार और आप किस प्रकार देश की सेवा करते हैं वे आपको स्वयं लिखना है। प्रश्न 9, शिक्षक द्वारा दायां यानी दाहिना एवं बायां किसे कहेंगे यह जाने। मित्रों, दायां दाहिना यानी जमणू और बायां यानी डाबू। यहाँ हम दायां हाथ और बायां हाथ, दायां हाथ यानी जमणो हाथ और बायां हाथ यानी डाबो हाथ, उसकी हम एक वीडियो द्वारा समझ प्राप्त करेंगे। सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे। दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भाग 3 का पूरा वीडियो देखा, उसमें हमने स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की। आप लोगों का होमवर्क है, स्वाध्याय के प्रश्न आप लोग हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। जब आप स्कूल आएंगे तब मैं आपका होमवर्क देखूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में संपूर्णतः समझ आ गई होगी। इसके साथ फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।